हरियाणा के किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कोई मुद्दा है वो है सिंचाई के लिए पानी का। सारे मुद्दे सेकेंडरी हैं, पहला मुद्दा है सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हमारे दक्षिण हरियाणा के 7-8 जिलों में हालात ये है कि पानी नीचे चला गया, कहीं 400 फुट, कहीं 500 फुट, कहीं 800 फुट पानी खत्म हो गया है। मेरे क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ लोहारू में, कुछ गांव में पीने का पानी भी खत्म हो गया है। सिंचाई की तो बहुत ही दिक्कत है, सिंचाई का पानी मिलता भी नहीं है, और पानी ही नहीं होगा तो फसल कैसे होगी, फसल ही नहीं होगी तो भाव कौन हो जाएगा। तो मेरी सब जितने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, समर्थन करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट भागीदारी है, इनडायरेक्ट भागीदारी है, सबसे एक प्रार्थना है छोटी सी कि इस आंदोलन की जो मांग है उसमें एक लाइन लिखवा दें कि हरियाणा की SYL नहर बननी चाहिए। मांगों के अंदर मांग मानना किसान को हक है। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा, हरियाणा के किसान का सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। उसी मांग पत्र में जब नेगोशिएशन होती है, आमने सामने किसान नेता और भारत सरकार के अधिकारी या नेता बैठते हैं, तो एक मांग मेरी है कि ये भी मुद्दा लिखना चाहिए कि हरियाणा के लिए SYL का नहर का निर्माण होना चाहिए। इतनी सी मेरी बात है, आज का इतना सा मुद्दा है हरियाणा के किसान के लिए, प्रत्येक हरियाणा वासी के लिए, जो 40 साल से लट लट का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं, सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसको पानी का मुद्दा हरियाणा के लिए मानता हूँ, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सब नेताओं से कि आप अपने मांग पत्र में एक ही लाइन लिखवा दें कि हरियाणा के लिए पानी देने के लिए SYL नहर का निर्माण होना चाहिए। हम जीत चुके हैं तो आपको लगता है राजनीति कहीं ना कहीं इसमें हुई है कि आप निर्माण नहीं करवा पाए अब तक? आज मैं किसी चीज का जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ, मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। मेरी प्रार्थना करने कर सकता हूँ, मुझे भी हक है, जैसे किसान आंदोलन की मांग करते हैं, हुड्डा साहब मांग करते हैं, अभय चौटाला जी मांग करते हैं, ग्राम पंचायत खाप पंचायत मांग करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मांग है कि एक लाइन उस मांग पत्र में जब नेगोशिएशन हो, ये जरूर मुद्दा एक डिस्कशन में तो आए। हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा के किसानों का जीवन मरण का सवाल है, और हरियाणा आगे जो है बगैर पानी के हरियाणा का किसान बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा। इतनी सी बात। मंत्री जी आपने कहा कि संशोधन 6 साल आप उसके साथ रहे, 5 साल उसके साथ रहे, मुझे केंद्र में आपकी सरकार है, मैं किसी को देश में आपकी सरकार है, पीछे किसने क्या किया, आज क्या कर रहा है, आगे क्या होगा, ना किसी को क्रिटिसाइज करता, ना किसी को कसूरवार बताता। मेरी छोटी सी मांग है कि मांग पत्र में एक लाइन जोड़ दी, मंत्री जब हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं तो किसान के लिखने से क्या होगा? यह तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहर बनवा के दे। सुनिए, एक चीज है कि मांग तो रखना नाजायज नहीं है, किसानों की ऐसी कोई भी मांग हो, मांग रखना तो गलत नहीं है। आप किसानों से ही क्यों नहीं है आदेश दिया मंत्री केंद्र सरकार की सरकार, आप केंद्र सरकार को बोलिए कि हमारे घर बनवा के दें। मैं कहता हूं कि वो बात की बातें हैं कि कौन क्या बोलता है, कौन हक में बोलता है, कौन खिलाफ बोलता है, किसकी गलती है, वो चीज बात की नहीं हो। सिर्फ एक चीज मेरी प्रार्थना है कि मंत्री किसान है तो इसी आप बातों पर नेगोशिएशन कर रहे हैं। मैं हरियाणा का किसानों का मंत्री होने की वजह से या हरियाणा का किसान होने की वजह से इतनी सी बात चाहता हूँ कि एक लाइन अपनी मांगों में जोड़ दिया जाए तो किसी का नुकसान नहीं होना।